आइटम्स का ताल्लुक किसके साथ हो, नंबर्स के साथ हो। जो नंबर वन पे हो तो वो सिर्फ नंबर वन पे इसलिए नहीं है कि नंबर वन टू थ्री, नहीं, उसका मकसद भी ये हो कि वो वन है, मतलब कि वो पहले नंबर पे। अगर क्लास में एडमिशन में किसी का नाम यहाँ लिखा हुआ है तो यही समझा जाएगा ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से कि इसका एडमिशन सबसे पहले हुआ है, इसका एडमिशन इसके बाद हुआ है, इसका एडमिशन इसके बाद हुआ है, आई बात सुने। और उसके बाद अगर आप इसकी बात करें तो इसके अंदर यानी कि जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये नंबर वन है नंबर टू है, नहीं, इसमें नंबर है ही नहीं। अच्छा, अब आप ये समझेंगे ऊपर नीचे जैसे नंबर है तो आप ये गलत फहमी का शिकार, ये नंबर है ही नहीं, ये ऑर्डर लिस्ट है ही नहीं। अगर आप मुझे कहा जाए कि आपकी क्लास की लिस्ट बनाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पर ये आए, दूसरे नंबर पर ये आए, तीसरे नंबर पे ये आए, तो मुझे यानी कि जो है फिर नंबर डालने की जरूरत नहीं है ऑफिशियली वे। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि टॉप 10 स्टूडेंट के नाम लिखते, अब आप सोचें कि टॉप 10 का मतलब यही होता है कि नंबर वन पे वही हो जो सबसे टॉप, नंबर टू पे फिर वो हो उससे नीचे, फिर नंबर थ्री पे। अगर इस टाइप की कोई लिस्ट बनानी होगी तो आप यकीन जो है वो ऑर्डर लिस्ट होगी।